हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। मैं हूं दक्ष और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीसी राइडर। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें अपन जो है, जैसा कि आपको पता है मेरे पास जो बाइक है वो BS6 स्प्लेंडर है 2020 वाला मॉडल। तो इसमें जो है आप चेनसेट जो है उसको क्लीन करेंगे। वैसे तो मैंने इसकी जो है जितनी भी सर्विस इसकी अभी तक हुई है 2-3 सालों में, वो सारी मैंने जो है इसकी सर्विस सेंटर पे करवाई है। जो हीरो का ऑथोराइज सर्विस सेंटर है उस पे ही मैंने इसको जो है हर बार सर्विस करवाया है। पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि भाई सर्विस हर बार जो है सर्विस सेंटर पर कराने के बाद भी जो है इसकी चेन सेट में जो है कितना कचरा वगैरह वो है निकलता है। तो आज जो है मैं इसकी चेन की मतलब कि चेन क्लीनिंग की जो ये वीडियो प्रॉपर रहने वाली है। तो फटाफट से इसका जो है ये इस पॉकेट कवर जो ऊपर आगे वाला होता है इंजन साइड का, इसमें जो है 8 नंबर के 2 बोल्ट होते हैं वो अपन को खोलने हैं। ये नीचे की साइड में आपको दिखा पा रहा हूँ, ये कुछ इस तरफ गियर पेडल के पीछे होता है। और चेन कवर को खोलने के लिए 2 नट हैं 10 नंबर के और 2 नट हैं ऊपर की साइड ऊपर वाले कवर को खोलने के लिए। तो इसको खोल के फटाफट से मैं आपको जो है दिखाता हूँ कि अंदर क्या निकलता है क्या नहीं। तो गाइस, अभी जो मैंने जो है चेन सेट पूरा खोल लिया और ये इस पॉकेट कवर भी मैंने खोल लिया है फ्रंट वाला। तो इसमें जो मेरे को देखने को मिला ये तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब कि मैंने सोचा था कि भाई ज़्यादा गंदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही गंदा होगा। मतलब कि ये जो बाइक है मैं रेगुलर यूज़ नहीं करता हूँ। मैं अगर जैसे जो मैं जो है राइड वगैरह पर जाता हूँ तभी जो है मैं इस बाइक को यूज़ करता हूँ। और ये जो बाइक है मेरी 3 साल में जो है 10,000 किलोमीटर चली है सिर्फ। तो भी आप देख सकते हैं कि मतलब कि उसके हिसाब से कितना ज़्यादा जो है इसमें डस्ट वगैरह जमा हुआ है। देख सकते हैं कितने जो है इसमें मेटल के पार्ट हैं या फिर जितना भी कचरा इसमें जमा हुआ है कितना सारा है। थोड़ा बहुत भी नहीं है, बहुत सारा है। इससे साफ पता लगता है कि कंपनी वाले जो सर्विस करते हैं वो ये सब चीज़ें चेक नहीं करते। ये मतलब कि माइनर सी चीज़ है पर ये बाइक को जो है बहुत जल्दी जो है एक तरह से पुराना कर देते हैं। चैन सेट जो है बहुत जल्दी इसकी वजह से आपका जो है टाइम से पहले ही घिस जाता है। तो ये जो है बहुत छोटी चीज़ है जो ध्यान रखने वाली होती है, हम जो इस पर ध्यान नहीं देते। तो ये जो है आप घर पे ही कर सकते हो। अभी जो है मैं इसको पेट्रोल की हेल्प से जो है क्लीन करूँगा। तो क्लीन करने के लिए मैं सबसे पहले एक जो है टूथब्रश का यूज़ कर रहा हूँ जो कि ख़राब है, पुराना है। तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो है मैं पेट्रोल जो है मैंने छोटी जो है बॉटल है उसमें मैंने पेट्रोल ले लिया है। और उसके ऊपर जो मैंने जो है इसका कैप होता है उसके ऊपर जो है साइकिल के जो वॉल्व होता है वो लगा रखा है। तो इसको जो है मैं एक बार ऐसे मतलब कि इसका जो मोटा मोटा इस पे जो डस्ट वगैरह है मिट्टी वगैरह उसको मैं सिंपली ऐसे ब्रश से हटा लूँगा। और उसके बाद जो है इसको पेट्रोल से जो है मैं इसको पूरा बाइक स्टार्ट करके जो है गियर में डाल के छोड़ दूंगा। उसके बाद जो है पेट्रोल से मैं इसको क्लीन करूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार जो है मैंने इसको पेट्रोल की हेल्प से जो है क्लीन कर लिया है। देख सकते हैं मिट्टी कितनी निकली है और ब्रश की हालत भी आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है ब्रश की इसको साफ़ करते करते। और चेन सेट मैं आपको एक बार दिखाता हूँ फ्रेंड्स से कि कितना क्लीन हुआ है। तो अभी जो है मैंने इसको वॉश करके एक बार छोड़ दिया है ऐसे। तो अभी पेट्रोल से एक बार वॉश करने के बाद जो है मैं एक बार इसको जो है कपड़े की हेल्प से जो है साफ़ करूँगा अपना जो चेन सेट है उसको। तो फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने पेट्रोल से एक बार वॉश करके और उसके बाद जो है एक बार कपड़े से सूखे कपड़े से जो है इसको साफ़ करके इसको दिखा रहा हूँ मैं एक बार आपको कि कपड़े से साफ़ करने के बाद जो है कितना ही क्लीन हुआ है। और इसका जो ये कवर होता है प्लास्टिक का वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा इसमें जो है कचरा निकला है। तो देख सकते हैं पहले से तो काफ़ी अच्छा जो है इसकी कंडीशन हो गई है।
और मैं इसको जो इंजन का जो कवर होता है ऊपर का वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कितना ज़्यादा कचरा निकला है। तो इसको भी मैंने जितना क्लीन हुआ है उतना कर लिया, चेन कवर को भी मैंने जो है क्लीन कर लिया है जितना हुआ है। तो फ्रेंड्स अभी जो है आप मेरे हाथ की हालत देख सकते हैं, मेरे हाथ किस तरह से हो गए, पूरी तरह से जो है मिट्टी में या फिर पेट्रोल वगैरह में, ग्रीस वगैरह में पूरे मेरे हाथ हो गए और कितनी सारी जो है इसमें मिट्टी निकली। और आपको जो ये बोल्ट जो है जितने भी आपने इसमें से खोले हैं वो आपको साइड में रख देने हैं ताकि ये जो है इधर से उधर ना हो और आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो फ्रेंड्स अभी जो है आप देख सकते हैं क्लियरली कि भाई कितना जो है अपना चेन पॉकेट जो है वो साफ़ हो चुका है, चेन भी अपने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो अभी जो है मैं इसको जो है ऑयल की मदद से, मतलब कि अपना जो इंजन ऑयल होता है उसकी हेल्प से जो है इसको एक बार ल्यूब कर दूंगा। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितना जो है प्ले है कितनी नहीं है। तो ये जो है मेरी बहुत ज़्यादा ही टाइट हो रखी है चेन, क्योंकि इसको जो है मैंने सर्विस करवाया था जब से ये जो है चेन टाइट है। तो आपको जो है एक बार जो है मैकेनिक से कभी चेन टाइट करवाते हो तो इसको आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है कि इसमें प्ले है या नहीं है। बिल्कुल टाइट रहेगी तो उससे भी जो है आपका जो चेन सेट है वो जल्दी घिस जाएगा। तो अभी जो है मैं इसको एक बार ऐसे इंजन ऑयल की हेल्प से ल्यूब कर लेता हूँ। वैसे तो इसमें चेन ल्यूब जो होता है अपना उसकी हेल्प से इसको ल्यूब करना चाहिए, अगर अभी जो है मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। तो मैं जब इसको लेकर आऊँगा तो एक बार इसको दोबारा से जो है क्लीन करके और इसको चेन स्प्रे से जो है ल्यूब कर लूँगा। तो फिलहाल तो मैं इसको इंजन ऑयल जो अपना होता है उससे जो है इसको ल्यूब कर रहा हूँ गियर में डाल के। अभी जो है मैंने इसको जो है अच्छे से ल्यूब कर लिया है, देख सकते हैं इसमें जो इंजन ऑयल वगैरह जो मैंने डाला है वो अच्छे से जो है पूरी चेन में घूम चुका है। ये पीछे की तरफ भी मैं आपको एक बार इजीली दिखा देता हूँ, आपको इजीली क्लियर मतलब दिख जाएगा। तो पूरी चेन में अपना जो है एकदम से ल्यूब्रिकेंट हो चुका है। तो अभी जो है मैं इसका चेन कवर वगैरह लगाता हूँ। तो चेन कवर लग चुका है, मैंने जितने भी बोल्ट अपना जो ये फ्रंट कवर है इंजन वाला ये भी लगा लिया और चेन कवर भी मैंने पूरा लगा लिया है। और अब जो है चेन ल्यूब क्लीन और थोड़ा सा लूज़ करने के बाद जो अपना व्हील है वो फ्री एकदम जो घूम रहा है, पहले जो है हल्का सा टाइट घूम रहा था अपना जो व्हील था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। होप करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ जो है सीखने को मिला होगा, कुछ नॉलेज मिली होगी। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और वीडियोज़ के लिए जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए राइड हार्ड राइड सेफ।